फर्दर मेन पीसीबी, मोटर, कैपेसिटर, फ्यूज, हीट एलिमेंट, सेंसर, इन सब को चेक करने के लिए या खोलने के लिए अब आपको सबसे पहले इसके ऊपर के सारे स्क्रू जोन से हैं, प्लास्टिक बॉडी जोन सी है, इसके सारे स्क्रू आपने हटाने हैं। इनको भी आप एक साइड में इकट्ठे रखें। ये प्लास्टिक के सेल्फ लॉकिंग है इसके अंदर भी, इसको सेल्फ लॉकिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान से काम करना है कि ये कहीं टूटे ना, सेल्फ लॉक सिस्टम इसके ना टूटे, क्योंकि अगर ये टूटे तो ये दोबारा लगने में इसको मुश्किल होगा। अब ये देखिए आपकी मेन यूनिट जोन सी है वो खुल के अलग हो गई है। ये देखें ये बल्ब के पीछे आपको मेन पीसीबी नजर आ रही है, इसको अगर हमें चेक करना है या रिमूव करना है, रिप्लेस करना है, उसके लिए हमारे को फर्दर यूनिट को डिसमेंटल करना है। इसके लिए आप ये देखें ये साइड में जो से हैं, उससे पहले आप नीचे इसको टिल्ट करें, बेस में इसके स्क्रू हैं, इनको आपने खोलना है। इन स्क्रूज को सारे को निकालने के बाद वापस सीधा कर दें। ये सब करते हुए बड़े ध्यान से इस पे काम करें। अब आपको यूनिट की साइड प्लेट्स डिसमेंटल करनी है। इनको डिसमेंटल, ये भी सेल्फ लॉक है, इसको आराम से आपने जब करना है ये ध्यान से करें, ये सेल्फ लॉकिंग के बाद ये खुल जाएंगी। ये इसको साइड में रखें और दूसरी तरफ से भी करें। अब ये जो आपकी साइड्स हैं इनको डिसमेंटल करने के लिए अंदर से आपको लॉक नजर आएंगे। ये इसके अंदर आपको लॉक नजर आएंगे, बैक साइड ऑफ दिस फ्रेम, आप उसको खोल लें। ये ब्रेड मेकर होल्डर और बॉडी के बीच में यहां पे आपको स्क्रू हैं, तीन स्क्रू लगे हुए हैं आगे और तीन लगे हुए हैं पीछे। इनको जब आप खोल लेंगे तो ये आपकी कंप्लीट यूनिट डिसमेंटल हो जाएगी। ये जब आप ये सारा काम करेंगे तो ये कस्टमर के घर पे आप नहीं करेंगे, इसके लिए आपको यूनिट अपने सर्विस सेंटर में लेकर आनी है। ये बैक साइड के भी, पिछली प्लेट के भी आप तीनों स्क्रू खोल दें। अब आपकी यूनिट कंप्लीट ओपन है, आपके सामने है। ये देखें ये इसके अंदर ये मोटर है, ये इसके अंदर मेन पीसीबी है, ये इस मेन पीसीबी के नीचे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये ब्लैक वाला, और इस तरफ अगर आप ध्यान से ये देखें तो ये आपके दो फ्यूज लगे हुए हैं, फ्यूज वन एंड फ्यूज टू।
उसके ऊपर ही हीट सेंसर लगा हुआ है। ये जो उनसी दो येलो वायर्स आ रही हैं, ये हीट सेंसर की हैं, जो कि मेन पीसीबी के अंदर जा रही हैं। आपकी मेन पीसीबी में हर जगह जहां कनेक्टर्स लगे हुए हैं वहां पे लिखा हुआ है कि ये किस चीज की वायर्स हैं जहां पे कनेक्ट होंगी। जैसे कि मोटर की वायर्स हैं, वो लिखा हुआ है कि मोटर की वायर्स कहां आकर लगनी है, और सेंसर की वायर्स, जैसे ये येलो वायर्स जो सी है ये सेंसर की हैं, ये सेंसर की वायर है, कनेक्टर है यहाँ पे, इसके अंदर ये सीधा आ रहा है और यही पे आपके सेंसर लिखा हुआ है। ये मेन कनेक्टर है जो कि आपका पीसीबी डिस्प्ले पीसीबी से आके इसके ऊपर लग रहा है। एट द बैक इज अ बजर एंड अदर कंपोनेंट्स आर देयर। ये देखें, ये जो उनसे आपके ये वाइट वायर्स जो सी हैं ये फ्यूज की हैं, और ये येलो, ये ब्लू एंड रेड वायर, ये आपके मेन वायर्स है जहां से आपका इलेक्ट्रिसिटी आ रही है इसके अंदर। नेक्स्ट, नाउ टू रिमूव द पीसीबी। पीसीबी खोलने के लिए आपको इस पीसीबी में तीन स्क्रू लगे हुए हैं, उनको जब आप खोलेंगे तो आपकी पीसीबी अलग हो जाएगी। इसमें से कनेक्टर निकालें, और निकालते समय, कनेक्टर निकालते समय ध्यान रखें कि जो वायर जहां पर है नेक्स्ट नई पीसीबी में लगाते टाइम वो वहीं पे ही लगे। ये आपकी पीसीबी यूनिट से अलग हो गई है, और जैसे ही आप इसके कनेक्टर्स हटाएंगे तो पीसीबी आपकी बिल्कुल अलग हो जाएगी। नई पीसीबी लें और लगाकर उसको रिप्लेस करें और असेंबल करना शुरू कर दें। इसी के नीचे अगर कैपेसिटर में प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको जो पीसीबी है, पीसीबी के नीचे जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कंप्लीट स्टैंड है जिसके ऊपर ये पीसीबी लगी हुई थी, उस पहले उस कैपेसिटर स्टैंड को खोलें। ये स्क्रू इसकी बैक में है, दो स्क्रू के ऊपर ये लगा हुआ है। ये आपका कैपेसिटर स्टैंड जो सा है ये अलग हो गया है। इसी के अंदर जो सा कैपेसिटर है उसको एक स्क्रू से, ये टाइट है, इस स्क्रू से निकालकर आप नया कैपेसिटर लगाकर इसको वापस रीअसेंबल कर दें। सेंसर निकालने, सेंसर चेंज करने के लिए ये देखिए, ये सेंसर है, इस सेंसर के स्क्रू को आप लूज करें। ये अंदर से इसके अंदर लॉक है, स्क्रू लगे हुए हैं अंदर से, आप जब इसको लूज करेंगे तो ये आपका सेंसर जो सा है अलग हो जाएगा, और ये सीधा जो सा पीसीबी में कनेक्टर है वहां से आप निकालें और इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। नया लगाएं, कनेक्टर पे लगाएं और इसको वापस फिक्स कर दें। फ्यूज इसके साइड में ही फ्यूज लगे हुए हैं, ये दो फ्यूज हैं, इन फ्यूज को आप चेक कर सकते हैं। कनेक्टिविटी वायर से आप चेक कर सकते हैं, ये फ्यूज जो से 172 डिग्री सेल्सियस के हैं। ये आप देखें, ये ग्लो कर रहा है, इट मींस फ्यूज इज ओके। अगर नहीं है तो आप फ्यूज को रिप्लेस करें, फिक्स करें। ये फ्यूज जो सा है, अगेन इसकी जो सी कनेक्टिविटी वायर्स हैं वो दोनों इसके अंदर जा रही हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था वाइट मेन पीसीबी में वाइट वायर्स दिखाई थी वो फ्यूज की हैं। वापस इसको फिक्स करें और बंद कर सकते हैं।
Now the major part of the unit is motor. This is another major part. इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले कंटेनर हटाना होगा. इस कंटेनर को हटाने के लिए इसके अंदर आपको पहले चार स्क्रू हैं. ये देखिए हम आपको टिल करके अंदर दिखा रहे हैं. ये इस जगह पे इसके चारों तरफ ये चार स्क्रू हैं. इन चारों स्क्रू को खोलें और कंटेनर अलग कर दें. अब ये देखें नीचे आपकी कंप्लीट बेस प्लेट आ गई है. इस बेस प्लेट पे अगर आपको मोटर खोलनी है, ड्राइवर पुली, ड्रिवन पुली एंड बेल्ट, अगर इनमें किसी चीज में प्रॉब्लम है तो उसको खोलने के लिए आपको ये प्लेट पर आठ जो से स्क्रू हैं, इन सारे स्क्रूज को आपने पहले खोलना है. सो ये बेस प्लेट जो सी है प्लास्टिक बॉडी से अलग हो जाएगी. ये देखिए इसको हम टिल्ट कर रहे हैं. नीचे आपको बड़ा क्लियर मेन पुली नजर आ रही है. दिस इज द ड्राइवर पुली, ड्रिवन पुली एंड बेल्ट इज ओवर देयर. अब मोटर को आप देखिए ये बेल्ट इजीली खुल नहीं सकती है. ये इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम में है. अब आपने मोटर को निकालने के लिए या बेल्ट को निकालने के लिए या पुली को चेंज करने के लिए, ये ड्राइवर पुली को निकालने के लिए आपने पहले सबसे पहले सरक्लिप खोलना है. जब ये सरक्लिप खुल जाएगा तो आपकी जो सी पुली है ये अलग हो जाएगी और बेल्ट आपकी अलग हो जाएगी. उसके बाद आपने मोटर खोलने के लिए इसके ये तीन स्क्रू जो से आपको दिख रहे हैं ये आप खोलेंगे तो मोटर आपकी अलग हो जाएगी. मोटर आप नई लगा दें, रिप्लेस करें, वापस स्क्रू कर दें, पुली लगाएं और सर क्लिप बेल्ट लगाएं और पुली को सर क्लिप से लॉक कर दें. सिमिलरली इधर बिगर पुली जो सी है इसके लिए आपने ये स्क्रू खोलना है. इस स्क्रू को जैसे ही आप खोलेंगे तो ये आपकी पुली अलग हो जाएगी. वापस रिप्लेस करनी है, नई पुली लगा दें और स्क्रू को टाइट कर दें. वापस यूनिट को टर्न करें, बेस प्लास्टिक यूनिट के ऊपर फिक्स कर दें, स्क्रू कर दें और कंटेनर को फिक्स करें. इसी कंटेनर में आपका एलिमेंट लगा हुआ है. इस एलिमेंट को रिप्लेस करना चाहें, अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके स्क्रू जोन से हैं, ये देखिए ये साइड का स्क्रू है, इसको खोलकर लूज कर दें और एट द बैक अंदर दूसरी तरफ स्क्रू है, इस स्क्रू को आप खोल दें और बैक साइड से इसके जो कनेक्टर्स हैं एलिमेंट के उनको निकाल दें. और ये देखें ये आपका ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, इसके ऊपर से दोनों वायर्स आप हटा दें और यहां से ये स्क्रू खुलने के बाद ये एलिमेंट अंदर चला जाएगा. अंदर से आप निकाल दें और नया रिप्लेस कर दें और इसको वापस से फिक्स करना शुरू कर दें. असेंबल करें और बड़े ध्यान से इसकी जो सेल्फ लॉकिंग है उनको बड़े ध्यान से लगाएं और जो इसके स्क्रू हैं जहां पे हैं वहीं लगाएं. कोई स्क्रू मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये वाइब्रेट कर सकता है यूनिट.